सच्चिदानन्दरूपाय विश्वपत्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः श्रीकृष्णाय वयं नुमः धन्यवाद आप सभी भक्तों ने बड़े भाव से प्रेम से कौन बूढ़ा कौन जवान है बड़े प्रेम से आप सब ने संकीर्तन किया यही है भक्ति भक्ति कोई रुकी सूखी वस्तु नहीं है प्रायः ऐसी धारणा थी ऐसी मान्यता थी कि भक्ति जो है बूढ़े बुजुर्ग हो जाते हैं जब समाज और दुनिया के कुछ काम के नहीं रहते हैं वे लोग भक्ति करते हैं ऐसा नहीं है भक्ति जो है बहुत प्रैक्टिकल है और भक्ति किसी अवस्था का विषय नहीं भक्ति आत्मा का विषय है इसलिए भक्ति हमारा जीवन है जीवन के प्रत्येक कार्य में प्रत्येक अवस्था में भक्ति करनी चाहिए भक्ति का अर्थ क्या जब भक्ति शब्द आते हैं तो बच्चे डर जाते हैं बस अब तो मंदिर में बिठा देंगे मुंडन करवा देंगे हमें भी ये धोती कुर्ता पहनना होगा भक्ति माने बस ऐसा कुछ सोचते हैं ऐसा नहीं है भक्ति का सीधा अर्थ है भक्ति माने प्रेम दैट्स ऑल भक्ति का अर्थ है प्रेम ईश्वर से प्रेम और ईश्वर से एक बार प्रेम हो जाए ना तो फिर पूरी दुनिया से प्रेम हो जाता है ईश्वर से प्रेम हो जाए तो दुनिया बहुत अच्छी लगती है जीने का अद्भुत आनंद होता है और भक्ति बड़ी प्रैक्टिकल है कलयुग में तो विशेष इस कलयुग में मात्र हरि नाम भगवान के नाम का जाप और जैसे आप कर रहे थे कीर्तन इसी से सुख आनंद और भगवत प्राप्ति हो जाती है सो प्रेम श्रीमद् भगवद गीता जो सब्जेक्ट हमने यहां पर लिया है कुछ लोगों को सिरदर्द हो रहा होगा कि ये चार दिन से क्या लगातार चतुर्विधा भजन्ते चतुर्विधा मैं एक बार मेरे मित्र ने भागवत कथा का आयोजन किया श्याम सुंदर ने तो वैसे हम दो तीन टाइप से कथा करते हैं संपूर्ण भागवत भी करते हैं कृष्ण जन्म राम जन्म ये तो कभी कभी किसी टॉपिक पर कर लेते हैं जैसे इस बार हम किए तो ये कथा गुजरात सूरत में थी मेरे मित्र ने आयोजन किया बहुत बड़ा हजारों लोग आए तो मैंने टॉपिक लिया देवी कुंती की प्रार्थना कुंती स्तुति सात दिन तक लगातार उसी के ऊपर एक दिन दो दिन तीन दिन वो पंजाबी था मेरा मित्र वो तो खुश था लेकिन उसके पिताजी चार दिन तक तो सहन किए मुझे चौथे दिन अपने बेटे को बोलते हैं कि ये तेरा महाराज कृष्ण को रथ से नीचे उतारेगा कि नहीं वो कुंती स्तुति हो रही ना कृष्ण रथ पर बैठे हैं कुंती नीचे हैं और वो स्तुति कर रही है
तो एक एक श्लोक पर मैं, जैसे एक श्लोक पर बहुत कुछ, तो मैं विस्तार से बोल रहा था और वो ये राह देख रहा था कि अभी रावण का वध होगा, ये होगा, ये होगा। बोले ये तेरा महाराज पता नहीं कहाँ से आया है, ये बस चार दिन से रथ पे बिठा कर रखा है, ये नीचे उतारेगा कि नहीं। तो कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा है आपको? देखिए, समंदर में छोटी छोटी मछली होती है ना, वो समंदर के किनारे पर रहती है, लेकिन जो बड़ी बड़ी मछली होती है, डॉल्फिन, शार्क, तिमिंगल, वो सब महासागर के गहराई में होती है। ठीक उसी प्रकार है, जो छोटे छोटे भक्त होते हैं, जिसमें बहुत कम श्रद्धा होती है, वो भागवत को संक्षिप्त में सुनना चाहते हैं, लेकिन जिसे भगवान से प्रेम होता है, जिसको श्रद्धा होती है, जो भक्ति में एडवांस होता है, वो भागवत के किसी भी सब्जेक्ट को गहराई से सुनना चाहते हैं। हमने कितना ज्यादा सुना ये महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन जो सुना वो परफेक्ट सुना, ये महत्वपूर्ण है। बहुत बहुत कुछ सुनकर, बहुत सारे सब्जेक्ट सुनकर आए, कौन नहीं जानता है, परीक्षित थे, श्राप लगा, तक्षक आया और उनका उद्धार हुआ, ध्रुव थे, ये था, वो था, कथा समाप्त, इसमें देर नहीं लगती। लेकिन गीता में कृष्ण कहते हैं, अर्जुन जन्म कर्म चमे दिव्यम, मुझे समझना कोई साधारण बात नहीं है, मेरी लीला, मेरे कर्म दिव्य हैं, ये कोई टीवी सीरियल या कोई साधारण माध्यम से समझा नहीं जा सकता। एवं यो वेति तत्वतः, यदि कोई तत्व से मेरी लीला कथा को जान लेता है, तो त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म न इति तो कहां माम इति। कहते हैं अर्जुन, मुझे समझने वाला व्यक्ति इस दुखाले संसार में कभी नहीं फंसता, क्योंकि वो सदा सदा के लिए मुझे प्राप्त कर लेता है तत्व से। तो किसी भी वस्तु को गहराई से, तत्व से समझने का प्रयास एक अच्छी आदत है। श्रीमद् भगवत गीता, फिर भी मैं ये श्लोक पर बोल रहा हूं ना, बहुत लाइट बोल रहा हूं, सारी बातें मैं आपको नहीं बता रहा हूं, देश काल समय को ध्यान में रखकर और कुछ मेरी अवस्था को ध्यान में रखकर सब कुछ नहीं कह रहा हूं, लेकिन प्रयास कर रहा हूं कि सभी एंगल से इस बात को हम समझने का प्रयास करें। कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन, सुकृतिशाली जीव जो चार प्रकार के हैं, वो मेरे पास आते हैं और मुझे प्राप्त करते हैं। तीन प्रकार के जीव के बारे में सुना, आर्थ, अर्थार्थी और जिज्ञासु। मोटा मोटी आपको समझ में आ गया है ना? अब कृष्ण कहते हैं चौथा है ज्ञानी। जो ज्ञानी होता है वो मेरी शरण में, मेरे पास आता है। और आगे कृष्ण ने श्लोकों की जड़ी बरसा दी, बोली ये सभी प्रकार के जीव मुझे पसंद है, चाहे किसी भी उद्देश्य से, धन चाहिए मेरे पास आए, दुख लेकर मेरे पास आए, मैं दुख दूर करूंगा, धन दूंगा और मैं खुश भी रहूंगा, मैं अच्छा, मुझे आनंद है, कैटलिस्ट मेरे पास आ रहा है। लेकिन तारतम्य की दृष्टि से अर्जुन तुम मुझे पूछो कि ये चारों में से मुझे कौन पसंद है, है? हम कृष्ण तो हमें पसंद है, लेकिन कृष्ण को कौन पसंद है? तो कृष्ण को पूछा जाए, कृष्ण कहते हैं तेषाम ज्ञानिम, ये चारों के बीच में ज्ञानी जो है मुझे अधिक प्रिय है, क्योंकि ज्ञानी व्यक्ति को किसी भी प्रकार का स्वार्थ नहीं है। पहली बात देखिए, अभी हम पूर्णाहुति की ओर जा रहे हैं, फिर क्या भरोसा जीवन का, फिर मिले न मिले, इसलिए भागवत का सार बता रहा हूं। कृष्ण कहते हैं कि जिज्ञासु को मैं चाहता हूं, अर्थार्थी को और इनको भी मैं चाहता हूं, आर्थ दुखी को भी, लेकिन सबसे ज्यादा पसंद
मैं ज्ञानी को करता हूं, ज्ञानी मुझे बहुत पसंद है। तब आप कहोगे तब तो काम धंधा छोड़कर ये पोथी पत्रा पढ़ना पड़ेगा। ज्ञानी, ज्ञानी का अर्थ हम लोग क्या समझते हैं कि भाई ये शास्त्र पढ़े, ग्रंथ पढ़े और ज्ञान प्राप्त कर ले। ज्ञानी का सीधा अर्थ है नॉलेज, ज्ञान प्राप्त व्यक्ति। परंतु ज्ञान का सार क्या है, ज्ञान का सार क्या है? बहुत भागवत का ज्ञान हो गया, मैं कल बता रहा था ना, बहुत ज्ञान हो गया तो इसका सार क्या है? सिंह उगाएंगे, लंबे लंबे सिंह हो जाएंगे कि भाई ये ज्ञानी है, भाई सिंह वाला है। ज्ञान का अंत कहां होता है? ज्ञान का अंत, ज्ञान का सार, ज्ञान का एसेंस एक और मात्र एक भगवत प्रेम है, ईश्वर प्रेम। जिसे भगवान से प्रेम है समझो वह ज्ञानी है। और कितना भी ज्ञान प्राप्त कर चुका है यदि भगवान से प्रेम नहीं तो उसका ज्ञान अधूरा है। सो ज्ञान का सार है प्रेम। अब वो प्रेम ये पोथी पत्रा पढ़कर भी आप प्राप्त कर सकते हैं, और ज्ञान का सार प्रेम, उसको प्राप्त करने की एक सरल विधि। सुखदेव गोस्वामी ने परीक्षित महाराज से कहा, परीक्षित ने कहा कि संसार के लोगों को पापों से बचाने के लिए, नरक से बचाने के लिए कोई अच्छा उपाय बताइए। तो सबसे पहले तो सुखदेव जी ने कहा कि कर्म कांड करो। कर्म कांड के द्वारा, कर्म के द्वारा प्रायश्चित करो, पश्चाताप करो, जिससे पापों से मुक्त हो जाओगे, दुखों से मुक्त हो जाओगे, ईश्वर प्राप्ति कर सकते हो। परीक्षित ने कहा कि सुखदेव जी ये मुझे ठीक नहीं लग रहा है। आप कहते हो प्रायश्चित करो, प्रायश्चित कौन नहीं करता? अमेरिका वाले तो प्रश्न नहीं है, आप तो पाप करते ही नहीं है तो प्रायश्चित का कोई प्रश्न नहीं है। लेकिन हम भारत वाले पाप करते हैं तो प्रायश्चित करने के लिए हरिद्वार जाते हैं, गंगा नहाते हैं, है ना? और गंगा नहाकर, अब ऐसा मान्यता और सत्य भी है कि गंगा में स्नान करने से प्रायश्चित होता है, पापों से मुक्त होते हैं, आदमी पवित्र हो जाता है। और हाथ में गंगा जल लेकर संकल्प करता है कि अब जब मैं मेरे घर वापस जाऊंगा तो सिगरेट नहीं पीऊंगा। संकल्प करके 10 दिन 15 दिन के बाद वापस लौटता है तो जैसे जितनी सिगरेट पी रहा था उतनी सिगरेट प्रारंभ कर देता है। मक्का गए, मदीना गए, बन के आए हाजी, पहली आदत नहीं छूटी वही पाजी के पाजी। अब बताओ जब आदत छोड़नी ही नहीं थी तो गंगा स्नान करने का क्या लाभ है? परीक्षित ने तुरंत कहा कश्चित निवर्तते भद्रात कश्चित चरति ततः पुनः प्रायश्चितम अथो पार्थम मन्ये कुंजर शोचवत। ये आपका प्रायश्चित सुखदेव जी मुझे हाथी के स्नान के समान लग रहा है। हाथी को नहाता हुआ देखा आपने कभी? नहीं, हाथी जैसे लोगों को तो देखा होगा। पशुओं में, सभी पशुओं में हाथी का स्नान बड़ा फेमस है। हाथी नहाता है तो घंटों भर, 2-4 घंटे सतत निरंतर नहाते रहता है। 4-4 घंटा हाथी सरोवर में नहाता है और नहाने के बाद जैसे ही बाहर निकलता है तुरंत वह किनारे पर जो मिट्टी होती है उसे उठाकर अपने शरीर पर डालता है और शरीर को बिगाड़ देता है। अब जब मिट्टी से शरीर को बिगाड़ना ही था तो 4 घंटा सरोवर में स्नान करने का क्या लाभ बताइए? अब जब अपनी आदत छोड़नी ही नहीं है, आदत से मजबूरी है, बॉलीवुड वालों ने गाना भी बनाया है आदत से मजबूर है, तो जब आदत छोड़नी ही नहीं है तो प्रायश्चित से क्या लाभ? इसलिए आपका यह प्रायश्चित मुझे ठीक नहीं लग रहा है, कोई अच्छी विधि बताइए। 6ठे स्कंद में सुखदेव जी कहते हैं कि प्रायश्चित से अच्छी विधि कौन सी है जानते हो? ज्ञानी बन जाना।
अर्थ अर्थार्थी जिज्ञासु ज्ञानी, ज्ञानी बन जाओ सारे पापों से दूर हो जाओगे, सुखी हो जाओगे। तो बोले ज्ञानी बनेंगे कैसे? ज्ञान ले तो लेते हैं, कई बार कुछ लोग कहते हैं हम कथा में आते हैं ना, तीन तीन चार चार घंटे हम सुनकर घर पर जाते हैं और जब बच्चों को सुनाने बैठते हैं तो 5 मिनट में खत्म हो जाता है, याद नहीं रहता है। खैर ये भागवत याद रखने के लिए नहीं सुनना है, भागवत सुनना ही एक बहुत बड़ी बात है। इसको याद रह जाए और आप बोलो ये तो एक अलग चीज है, भागवत सुनना ही एक बहुत बड़ा साधन है, भागवत सुनना ही एक बहुत बड़ा प्रोसेस है। खैर तो ज्ञानी कैसे बने, ज्ञानी बनने की क्या विधि है? सुखदेव जी ने कहा 10 चीज करनी होगी, ध्यान से सुनिएगा। ज्ञानी बनना चाहते हो ना? कौन नहीं चाहता? आप किसी को कहो तू काला है तो वो मान लेगा, भाई काला हूं तो हूं, तू गंजा है मान लेगा है? आप उसको कहो दरिद्र है मान लेगा, लेकिन आपको तू मूर्ख है कोई नहीं मानेगा, वो पागल भी नहीं मानेंगे कि हम पागल हैं। ज्ञानी सब लोग ज्ञानी बनना चाहते हैं और ज्ञान के बल से तो दुनिया को कंट्रोल किया जा रहा है। तो ज्ञानी बनना चाहते हो 10 चीज करनी होगी। तपसा ब्रह्मचर्येण शमेन च दमेन च त्यागेन सत्य शोचाभ्याम यमेन नियमेन च। आपको कुछ समझ में नहीं आया, मैं भी जानता हूं, लेकिन मैं इसलिए बोला ताकि मैं ये प्रमाण दे रहा हूं आपको भागवत का, वेद का। नंद कुमार जी ने पेपर निकाला और पेन लेकर बैठ गए हैं कि अब ज्ञानी तो बनना ही है, 10 चीज कैसे भी करके मार्क कर लेना है। तो सुनिए, सबसे पहले तपसा, ज्ञानी बनना चाहते हैं सबसे पहले तपस्या करनी होगी, फिर ब्रह्मचर्येण ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना होगा। आप सब जानते हैं इसका अर्थ क्या है, शम अर्थात अपने मन को कंट्रोल करना होगा, दम अर्थात अपनी इंद्रियों को कंट्रोल करना होगा, त्याग अर्थात दान देना होगा, सत्य अर्थात कभी झूठ नहीं बोलना होगा, क्योंकि जब से मोबाइल आए हैं ना कई सारे लोगों के नरक के रिजर्वेशन हो गए हैं, मोबाइल बहुत झूठ बोलवाता है। तो तपसा ब्रह्मचर्येण शमेन च दमेन च त्याग सत्य और शोचाभ्याम, पवित्र रहना होगा अंदर से और बाहर से। यम 10 यम का पालन करना होगा, पहले दिन की कथा, और 10 नियम का पालन करना होगा। जब इस प्रकार से ये 8 वस्तु करेंगे ज्ञानी बन जाओगे। तो आप तो कर ही लोगे, तपस्या कर लोगे, है ना? परीक्षित महाराज कितने अच्छे हैं। परीक्षित महाराज ने सुखदेव जी को कहा कि आपने जो लिस्ट दिया ना ज्ञानी बनने के लिए, कलयुग का जीव ये 8 चीज छोड़िए इसमें से 1 चीज भी नहीं कर पाएगा। मैं तो प्रणाम करता हूं परीक्षित को, अच्छा हुआ हमारी ओर से ये प्रश्न पूछा, मेरी ओर से। आप तो कर ही लोगे, तपस्या कर लेते हो, है ना? तपस्या कितनी करते हैं आप है? क्या तपस्या हम करते हैं? अभी निर्जल एकादशी थी ना, पांडव भीम एकादशी, कितने लोग निर्जल आ रहे हैं? भीम एकादशी के दिन जो निर्जला रहता ना उसके घर पर जाकर देखो आप, देखने जैसा दृश्य होता है। पेट पकड़कर इस सोफे से उस सोफे पर, उस सोफे से उस सोफे, क्या हुआ? बस अब मरण सैया पर सोया हुआ है, निर्जला है, निर्जला है। कुछ लोग दोपहर शाम होती है ना तो लिस्ट बनाना शुरू करते हैं कि कल जब निर्जला खुलेगी तो मैं ये खाऊंगा, ये खाऊंगा, ये खाऊंगा। साल में एक दिन
तपस्या नहीं कर सकते हम क्या, तपस्या बहुत मुश्किल है, शम दम त्याग है? त्याग दान कितना मुश्किल है, कलयुग में तो एक ही चीज बची है दान, बाकी तो सब, लेकिन दान भी कितना कठिन है। धर्म के चार चरण है, उनमें से एक है दान, कितना कठिन। खैर मैं तो कहता हूं सतयुग में हड्डी में प्राण होते थे, ऐसा वर्णन है भागवत में, सतयुग में लोगों के प्राण हड्डी में होते थे और कलयुग में लोगों के प्राण पैसों में आ गए हैं, धन में। पैसा चला जाए तो लगता है प्राण चला गया, और पैसा आ जाए तो लगता है नया प्राण आ गया है। तो इसे मुश्किल है, इसलिए परीक्षित ने कहा, संक्षिप्त में सुनिए, परीक्षित ने कहा कि भाई कोई सरल उपाय दीजिए, ये सब कौन करेगा, कौन कर पाएगा, गृहस्थ संसारी आदमी आधा तो ऐसे ही मरा हुआ है, काम धंधा बिजनेस करके, और ऊपर से आप ये सब करो कहोगे, ये नहीं। सुखदेव जी कोई सरल उपाय बताइए ताकि साधारण बालक कर सके, जवान कर सके, बूढ़ा कर सके और ज्ञानी बन सके, पापों से मुक्त हो जाए, पवित्र हो जाए और भगवान के चरणों में प्रेम प्राप्त कर जाए, कोई सरल उपाय। तब सुखदेव जी ऐलान करते हैं, सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, इस संसार में और विशेष कलयुग में ज्ञानी बनने के लिए, पवित्र होने के लिए, ईश्वर की प्राप्ति और प्रेम प्राप्त करने के लिए एकमात्र सरल उपाय है, एकमात्र, और वो है केचित केवल्या भक्त्या वासुदेव परायण अगम घुनवन्ति कार्ष्येन निहारम इव भास्कर। परीक्षित, ज्ञानी बनने के लिए, और ज्ञान का सार है प्रेम, प्रेमी बनने के लिए, पवित्र बनने के लिए एकमात्र उपाय है, और वो है भगवान का नाम, हरि नाम। भगवान का नाम यदि कोई लेने लगे तो वह ज्ञानी हो जाए, प्रेमी हो जाए और संसार की सारी उपलब्धि प्राप्त कर जाए, यदि ईश्वर का नाम लेने लगे। सुखदेव जी ने कहा कि परीक्षित, जब व्यक्ति कितना भी प्रयास करे, न तथा यगवान राजन पुयेत तप आदि भी तथा कृष्णार्पितः प्राणा तत्तत् पुरुष निषेवया, कितना भी यज्ञ करे, हवन करे, ध्यान करे, कुछ भी करे, लेकिन जब तक भगवान का नाम नहीं लिया जाए जीव पवित्र नहीं होगा। इस संसार में अन्य सारे साधन मिलकर किसी जीव को उतना पवित्र नहीं कर सकते जितना भगवान का नाम पवित्र कर देता है, और इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी को कहना पड़ा कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम के ऊपर आधारित है। कुछ लोग कहते हैं ना कलयुग बहुत बेकार है, बहुत खराब है, गोस्वामी जी ने कहा कलयुग युग सम आन नहीं। अरे मैं तो कहता हूं कलयुग जैसा कोई युग नहीं, क्योंकि कलयुग में जो बेनिफिट है वो अन्य अन्य युगों में नहीं है। शास्त्र में लिखा है कृते ध्यायतो विष्णु त्रेतायाम यजतोमके द्वापरे परिचर्यायाम कलो तद हरि कीर्तनात्। सतयुग में ये ज्ञानी बनने के लिए, प्रेमी बनने के लिए, पवित्र ईश्वर प्राप्त करने के लिए ध्यान करना होता था। जिस भगवान को प्राप्त करने के लिए सतयुग में लाखों लाखों वर्षों तक ध्यान करना पड़ता था, त्रेता युग में हजारों हजारों यज्ञ करने पड़ते थे, द्वापर में कई धन खर्च करके परिचर्या करनी पड़ती थी, वही भगवान, वही ज्ञान, वही प्रेम कलयुग में मात्र भगवान का नाम लेने से प्राप्त हो जाता है, मात्र ईश्वर का नाम ले लेने से। कलयुग में भगवान ने अपनी सारी शक्ति, वैसे अलग अलग युगों में अलग अलग अवतार हुए ना, लेकिन कलयुग में भगवान का अवतार उनके नाम के रूप में हुआ है। इसलिए कहते हैं कि इस कलयुग में भगवान ने अपनी सारी शक्ति,
अपने नाम के अंदर रख दी है। नाम नाम अकारी बहुदा निज सर्व शक्ति ही, सारी शक्ति। अतः भगवान को भी पूछा जाए ना कि आपके नाम की कितनी महिमा है, जरा बताइए। महात्मा गण कहते हैं कहो कहां लगी नाम बड़ाई, नाम की कितनी महिमा है। तो कहते हैं रामन सकही नाम गुण गाई, स्वयं भगवान भी अपने नाम की महिमा नहीं बता सकते, इतनी महिमावान नाम है। श्रीधर स्वामी भावार्थ दीपिका में लिखते हैं तपंतु तापे प्रपतंतु पर्वंता दटंतु तीर्थाणि पथंतु चागमान यजंतु यज्ञ विवृदंतु वादे हरि विना नैव मृतिम तरन्ति। कितना हूं तर्क करो, कितना हूं होम हवन यज्ञ जप करो, लेकिन जब तक हरि का नाम नहीं लेंगे उद्धार नहीं होगा। परीक्षित ने पूछा कि सुखदेव जी आप नाम की इतनी महिमा बता रहे हैं, यदि नाम इतना महिमावान है तो फिर वेदों में उपासना कांड ज्ञान कांड कर्म कांड ये सब कांड क्यों सीधा सीधा बता देते। तब सुखदेव गोस्वामी कहते हैं परीक्षित यद्यपि नाम सर्वश्रेष्ठ है और नाम लेने से ही जीव का उद्धार होगा, ये अन्य अन्य मार्ग उन लोगों के लिए हैं जिनको भगवान में और भगवान के नाम में विश्वास नहीं है। एक बार विश्वास करके श्रद्धा करके कोई भगवान का नाम लेने लगे तो बहुत कम समय में उनको रिजल्ट मिले और वो पूर्ण ज्ञानी और प्रेमी बन जाए। हरि का नाम सो भगवान के नाम। गरुड़ पुराण में ऐसा लिखा है गोकोटि दानम ग्रहणे खदस्य प्रयाग गंगो कोटि कल्पवास यज्ञायुतम मेरु सुवर्ण दानम गोविंद नामम न समम सतांचे। ग्रहण के दिन करोड़ों गाय का दान करो, कई कल्प तक तीर्थराज प्रयाग में वास करो, रोज सुबह उठकर सुमेरु पर्वत जितने सोने का दान करो, यह सब करने से जितना फल मिलता है उतना फल गोविंद भगवान कृष्ण के नाम के सौवे हिस्से के बराबर भी नहीं हो पाता है। नाम की इतनी महिमा है। इस संसार में भगवान का नाम लेने वाले व्यक्ति में इतनी महिमा होती है कि नाम का जितना प्रभाव है उतना वह पाप कर ही नहीं सकता। चाहे गीता हो, चाहे भागवत हो, चाहे रामायण हो, चाहे वेद हो, इसमें बहुत बहुत कथाएं हैं, बहुत बहुत उपदेश शिक्षा सिद्धांत हैं। लेकिन आपने देखा ना भारत में जैसे अनेकों नदियां बहती हैं, गंगा यमुना सरस्वती कावेरी अलकनंदा नर्मदा, ये अनेक नदियां अनेकों राज्य अनेकों प्रांत से गुजर कर आखिर तो सागर में जाकर मिलती है ना। ठीक उसी प्रकार वेद शास्त्र में अनेक अनेक सिद्धांत उपदेश हैं, लेकिन इन सभी शास्त्रों का सार एकमात्र हरि नाम में आकर अंत होता है। हरि नाम। ये सब छोड़िए, हम भागवत सुन रहे हैं। श्रीमद् भागवत का अंतिम श्लोक आपको इतना तो पता होगा कि जब आप किसी को लेटर लिखते हैं तो मीठी मीठी बातें बहुत लिखते हैं, फिर लास्ट में जो चाहिए एज सून एज पॉसिबल करके, इतना मुझे समझ में आता है, एज सून एज पॉसिबल करके तो लिख देते हैं, है ना। इसका अर्थ है कि लास्ट में जो बात होती है ना वो महत्वपूर्ण होती है, वो इंपॉर्टेंट होती है। पूरा भागवत सुनाने के बाद सुखदेव जी कहते हैं कि इसमें कुछ याद रहे न रहे लेकिन भागवत का सार में तुम्हें दे रहा हूं, अंतिम लास्ट श्लोक भागवत का। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख शमनम तम नमामि हरिम परम। सुखदेव जी कहते हैं नाम संकीर्तनम यस्य, श्रीमद् भागवत का सार है नाम संकीर्तन, भगवान के नाम का संकीर्तन करो, यही भागवत का सार है। क्या होगा इससे,
सर्व पाप प्रणाशनम, सारे पाप, ये संस्कृत समझना कोई मुश्किल नहीं है। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम, सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। नाम संकीर्तन से। और प्रणाम दुख शमनम तम नमामि हरि परम, और हरि को प्राप्त कर जाएंगे। और मैं आपको ये जो बता रहा हूं ना, ये कोई नई बात तो है नहीं, आप सब लोग जानते हैं। सब लोग भारत में जन्म लेने वाले को इतना ज्ञान होता है कि हरि नाम ही सर्वश्रेष्ठ है, हरि नाम ही आधार है। लेकिन प्रश्न ये है कि ये तो हमने सुना, ये तो हमने पढ़ा, रामायण के अंत में भी यही लिखा है। रामायण का अंत करते हुए गोस्वामी जी लिखते हैं कि इसमें ज्यादा कुछ याद रहे न रहे कोई प्रॉब्लम नहीं, राम ही सुमिरिह गाव ही राम ही, यह कली कालन साधन दूजा जोग यज्ञ हरि तप पूजा। कलयुग में जोग यज्ञ तप ये सब कुछ भगवान का नाम लेने से ही पूर्ण हो जाता है। आप में से शायद कोई कर्मकांड को जानते हो नहीं, कितना भी बड़ा कोई कर्मकांड करे ना, जब तक भगवान का नाम न लो वो पूर्ण नहीं होता है। शास्त्र की कोई भी विधि, कोई भी कर्मकांड, कोई भी मार्ग हरि नाम के बिना पूर्ण नहीं हो सकता। तो मैं ये कह रहा था कि ज्ञान तक पहुंचना है, ईश्वर का प्रिय बनना है, तो पोथी पत्रा पढ़ने की और आंखें फोड़ने की जरूरत नहीं है। इसका सार है हरि नाम। यदि हरि नाम लेंगे तो भगवत प्रेम प्राप्त हो जाएगा। तो प्रायः आप सब जानते हैं कि हरि का नाम लेना चाहिए, मैं भी जानता हूं, लेकिन प्रश्न यह है कि हरि का कौन सा नाम लेना चाहिए, है ना? क्योंकि हरि के हजार नाम, कृष्ण के करोड़ नाम, हम तो बिल्कुल कंफ्यूज हैं कि कौन सा नाम ले, इसलिए हमने नाम लेने का प्रोग्राम ही कैंसिल रख दिया है। आप बताए गुजराती में ना, हरि तारा छे हजार नाम, कया गामे लखवी कंकोतरी, हे हरि तारा हजारों नाम छे, कया गामे कंकोतरी, लोग ले कंकोतरी नो प्रोग्राम कैंसिल रखियो, आपने लखवी ज नथी, कारण के आई एम कंफ्यूज। तो फिर कौन सा नाम लेंगे? तो देखिए, न मेरी बात, न आपकी बात, न किसी के मन, न किसी की बुद्धि की बात, हम तो शास्त्र को मानने वाले। शास्त्र क्या कहता है? शास्त्र शब्द शस्त्र धातु से बना है। जैसे शस्त्र किसी को काटता है, वैसे शास्त्र हमारे अज्ञान को, हमारे दोष को, हमारी दुर्मति दुर्बुद्धि को काटने के लिए बनाया है। तो व्यास मुनि पद्म पुराण में एक श्लोक लिखते हैं, मैं धीरे से बोलूंगा, आप थोड़ा सा उसका अर्थ अपने आप में समझ जाएंगे शायद, नहीं तो मैं समझाऊंगा। किस प्रश्न का उत्तर है? कलयुग में मात्र नाम लेने से ही, इतना समझ में आ गया, कलयुग में नाम उत्तम है, सबसे श्रेष्ठ नाम है, बाकी कुछ करने जाओगे तो इम्पॉसिबल है, पॉसिबल हो ही नहीं सकता। इस बात को दृढ़ करने के लिए और एक बात बता दूं आपको, फिर आगे बढ़ूं। एक बहुत बड़ा प्रश्न खड़ा हुआ कि महाराज परीक्षित यदि चाहते तो वो कलयुग को अपने राज्य से बाहर कर सकते थे। मैं आपको बता दूं, परीक्षित यदि चाहते तो हम लोग अभी सतयुग में बैठे होते। वो इतने बड़े राजा थे, वो समर्थ राजा थे, लेकिन जानबूझकर परीक्षित ने कलयुग को मारा नहीं, कलयुग का स्वागत किया। कलेर दोषे निधे राजन, यद्यपि राजन परीक्षित ने देखा कि कलयुग दोषों का सागर है, कलयुग जैसे समुद्र में पानी ही पानी होता है, वैसे कलयुग में दोष ही दोष है, लेकिन इस दोष भरे कलयुग में महाराज परीक्षित ने एक गुण देख लिया। कलेर दोषे निधे राजन, दोषों का यह कलयुग है, लेकिन एक गुण क्या था? कीर्तनात एव कृष्णस्य मुक्त संग परम ब्रजेत। परीक्षित ने देखा कि इस कलयुग में एक गुण है, और वह गुण अन्य अन्य युगों में
ज्ञानी बनने के लिए, प्रेमी बनने के लिए, सुखी होने के लिए, पवित्र होने के लिए, ईश्वर प्रेम भगवत प्राप्ति के लिए अन्य अन्य युगों में बहुत बहुत मेहनत करनी पड़ती है, परंतु कलयुग में मात्र और मात्र भगवान का नाम लेकर भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। यह देखकर परीक्षित ने कलयुग का स्वागत किया कि इस एक गुण से भक्तों, यदि गुण ही लेना है तो कलयुग जैसा कोई युग नहीं है। यदि गुण ही देखना है तो अब इतना तो आप समझ गए हैं कि कलयुग में हरि का नाम ही सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि हरि और हरि के नाम में कोई अंतर नहीं है। लेकिन प्रश्न यह है कि हरि का कौन सा नाम लिया जाए। देखिए, मैं आपको किसी एक संस्था संप्रदाय की लिमिटेशन में बांध नहीं सकता। ये व्यासपीठ किसी की लिमिटेशन में नहीं है, ये सबके लिए है। इसलिए मैं सार्वभौम दृष्टि से कहूं, भगवान का कोई भी नाम आपको पवित्र कर सकता है, आपको ज्ञानी कर सकता है, आपको प्रेमी कर सकता है। आपकी जिस नाम में श्रद्धा हो, आप जो नाम जपते हो, ईश्वर का कोई भी नाम ईश्वर की प्राप्ति करा सकता है, कोई भी नाम। लेकिन भगवान के सभी नाम भगवान की प्राप्ति कराएंगे, लेकिन उस प्राप्ति कराने के समय में थोड़ा सा अंतर है। जैसे मुझे यहां से कल सुबह फ्लोरिडा जाना है, तो मुझे यहां से फ्लोरिडा जाने के लिए, मैं साइकिल से भी जा सकता हूं, प्रेम सिंधु प्रभु का भरोसा नहीं, वो साइकिल पकड़ा देंगे। प्रभु, कथा में कोई डोनेशन वोनेशन आया नहीं है, आपका टिकट का भी वादा है, आप साइकिल से चले जाओगे, हो सकता है मैं यहाँ तो कल मुझे फ्लोरिडा जाना है, मैं साइकिल से जा सकता हूँ, है ना, तो मोटरसाइकिल से भी जा सकता हूँ, कार से भी जा सकता हूँ, फ्लाइट से भी जा सकता हूँ, ठीक है। साइकिल, मोटरसाइकिल, कार और फ्लाइट, ये चारों साधन मुझे कोलंबस से फ्लोरिडा पहुंचा देंगे, ठीक है। लेकिन अंतर क्या है, ये चारों के टाइम में अंतर हो जाएगा। साइकिल जो है ना देर से पहुंचाएगी, मोटरसाइकिल थोड़ा और तेज पहुंचा देगी, कार से और थोड़ा तेज, और फ्लाइट से तुरंत। भगवान के प्रत्येक नाम, आप जो नाम जपते हैं, प्रत्येक नाम भगवान की प्राप्ति कराएंगे, लेकिन टाइम का अंतर है। कुछ साइकिल की स्पीड से हैं, कुछ मोटरसाइकिल की स्पीड से हैं, कुछ कार और कुछ फ्लाइट, तो कुछ रॉकेट की स्पीड से। कुछ लोग बेचारे हरि का नाम लेते हैं, लेते लेते एक नहीं 10 जन्म बीत जाते हैं, लेकिन कोई क्रांति नहीं, कोई परिवर्तन नहीं। तब जाकर प्रश्न, जिज्ञासा होती है, प्रश्न उठता है कि भाई यहां से फ्लोरिडा जाना है, साइकिल से परेशान हो जाएंगे, मोटरसाइकिल ठीक नहीं है, और कार भी देरी से ही पहुंचाएगी, फ्लाइट या कोई रॉकेट की स्पीड हो तो हमको बता दीजिए। यदि ऐसी किसी की जिज्ञासा हो कि अब बहुत हुआ, हमें तुरंत रिजल्ट चाहिए, तब क्या करें? पद्म पुराण में व्यास मुनि कहते हैं कि कलयुग में यदि तुरंत और वास्तविक यदि कोई साधन और भगवान का नाम यदि कोई लेना है तो कौन सा लेना चाहिए। श्लोक बताते हुए कहता है, द्वात्रिश अक्षरम मंत्र नाम षोडश कान्वितम प्रजपन वैष्णवो नित्यम राधा कृष्ण स्थलम लभे। पद्म पुराण का ये श्लोक है, ये प्रमाण है। और हम सब देखिए, जब भी कोई निर्णय लेना होता है ना, तो भावुकता से मत लीजिए, ये आपके जीवन में काम आने वाली बात कह रहा हूं। जीवन में डिसीजन लेना हो तो दिमाग से लीजिए, और डिसीजन लेने के बाद जब काम करना हो तो दिल से कीजिए। हमारा उल्टा है, डिसीजन दिल से लेते हैं और काम दिमाग से करते हैं, इसलिए कुछ ठीक से नहीं हो पाता है। जीवन के प्रत्येक डिसीजन दिमाग से होने चाहिए और फिर काम दिल से होना चाहिए। आज जब हमें डिसीजन लेना है
कि कौन सा नाम श्रेष्ठ, क्या जपना, क्या लेना, तो उसमें प्रमाण होने चाहिए। ऐसा नहीं कहूं मुझे रात को कल भगवान सपने में आए थे इसलिए मैं बता रहा हूं, ये कोई बात नहीं है। बुद्धिमता समाज है, बुद्धिमता के ऊपर आधारित होना चाहिए। और भागवत केवल भावुकता नहीं, ये बहुत बड़ा साइंस है, ये विज्ञान है। तो प्रमाणित, प्रमाण दे रहा हूं, वेदव्यास मुनि कहते हैं इस श्लोक का अर्थ द्वात्रिश अक्षरम मंत्रः, ये संस्कृत है। द्वा माने दो, त्रिश माने थर्टी, थर्टी प्लस टू कितने हुए 32, ठीक है। तो द्वात्रिश माने 32 अक्षरम मंत्रः, कहते हैं 32 अक्षर का मंत्र। वहां प्रभु जी ने पूछा था कि मन को कंट्रोल कैसे किया जाए, आपने पूछा था ना, मैंने कहा लास्ट में बताऊंगा। मन को, अब मन के बारे में तो बहुत कुछ, एक पूरा पूरी कथा हो सकती है कि हमारे पूरे जीवन का आधार मन के ऊपर है। मन का काम है सोचना, थिंकिंग फीलिंग एंड विलिंग, और मन में विचार बहते रहते हैं और प्रायः बुरे विचार ही बहते हैं। बच्चे को पढ़ने में मन नहीं लगता, फेल हो जाता है। आदमी को बिजनेस में मन नहीं लगता, लॉस हो जाता है। जॉब में मन नहीं लगता, ये जितने भी प्रॉब्लम, ये अनसक्सेस के कारण मन कॉन्सेंट्रेट नहीं है, चाहे भौतिक या आध्यात्मिक। और ऐसा कोई इंस्ट्रूमेंट भी नहीं है कि भाई मन को पकड़कर घसीटकर बांधकर बिठा दो, क्योंकि गीता में कृष्ण ने कहा चंचलम ही मनः कृष्ण प्रमार्थी बलवत दृढ़म। हे कृष्ण, मैं मेरे गांडीर के बल से वायु को वश में कर सकता हूं परंतु मन को वश में नहीं कर सकता। मन एव, उपनिषद में लिखा मन एव मनुष्याणाम कारणम बंधन मोक्षयो, मन ही बंधन का कारण, मन ही मुक्ति का कारण। तो प्रश्न यह है मन को वश में करने के लिए क्या करें। मन को वश में करने के लिए एक ही साधन है, मनः त्रायते इति मंत्रः। मन को कंट्रोल कर सकते हैं एकमात्र मंत्र का जाप करके। मंत्र का अर्थ होता है मंत्र, दो अक्षर हैं, दो लेटर हैं, म और त्र। म माने मन और त्र माने तारना, त्राण करना, कंट्रोल करना, कॉन्सेंट्रेट करना। मंत्र का अर्थ होता है जो मन को त्राण करे, मन को कंट्रोल करे, मन को कॉन्सेंट्रेट करे, तो मंत्र, ठीक है। तो अब प्रश्न यह है कि कौन सा मंत्र, कौन सा नाम। तब पद्म पुराण में व्यास मुनि ने लिखा प्रमाण के साथ द्वात्रिस अक्षरम मंत्र, ऐसा मंत्र जिसमें 32 अक्षर है। फिर आगे क्या कहते हैं, नाम षोडश कान्वितम्। आगे कहते हैं नाम षोडश कान्वितम्, ऐसा मंत्र जिसमें 16 नाम है। 32 अक्षर हैं और 16 नाम है। आगे क्या कहते हैं, प्रजपन वैष्णवो नित्यम्। यदि उस मंत्र का कोई जाप करता है, लेकिन केवल जाप नहीं लिखा है श्लोक में, क्या लिखा है, प्रजपन, प्रकृष्ट रूपेण जपन, कंप्लीटली चैंटिंग। तो प्रजपन का अर्थ होता है माला के साथ, है? प्रजपन माने माला के साथ, व्यास मुनि ने पद्म पुराण में लिखा है। कुछ लोग कहते हैं आप लोग माला में करते हैं, हम तो मन में करते हैं। अब तू मन में क्या कर रहा है ये परमात्मा जानता है। कुछ लोग कहते हैं आप लोग माला पे भगवान का नाम लेते हैं, हम तो मन में ही ले लेते हैं। मैं तुरंत कहता हूं अच्छा तो फिर मन में खा लो, मन में सो लो, मन में पी लो, ये सब तो प्रैक्टिकल करते हैं। जब जीवन की सारी घटना प्रैक्टिकल तो फिर ये क्यों है? और फिर शास्त्र में आदेश है भगवान का, प्रजपन वैष्णवो नित्यम, प्रकृष्ट रूप से जाप यदि कोई करता है तो फल क्या मिलता है, द्वात्रिश अक्षरम मंत्र, नाम षोडश कान्वितम, प्रजपन वैष्णवो नित्यम। बच्चों को शांत कीजिए, अरे बोल, जितने भी बच्चे हैं बाहर लेकर जाइए, यहां भी कोई भटक रहा है, जो भी है डिस्टर्ब कर रहे हैं उसे बाहर लेकर जाइए। प्रजपन वैष्णवो नित्यम यदि कोई जाप करता है तो फल क्या मिलता है, राधा कृष्ण स्थलम लभेत,
राधा और कृष्ण जिस स्थल पर रहते हैं लभेत माने प्राप्त कर लेता है, इतना स्पष्ट हमारे शास्त्र बताते हैं। लेकिन नहीं, कुछ लोग भक्ति को इतना कॉम्प्लिकेट कर देते हैं, हैं? इतना घुमा फिरा कर, जब तक आदमी बर्बाद न हो जाए धन संपत्ति सब कुछ, कुछ नहीं करना है, केवल इतना करना है 32 अक्षर का मंत्र जिसमें 16 नाम है 32 अक्षर है, और केवल जाप करना है तो राधा कृष्ण स्थलम लभेत, वो प्रेम वो वैकुंठ प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन मेरी कंफ्यूजन ये है कि ये मंत्र कौन सा है, ये कौन सा मंत्र है जिसमें 32 अक्षर हैं और 16 नाम है? आप कोई, आप में से कोई जानता है, हैं? 16 नाम 32 अक्षर, भावगरी पता है? हाँ, अच्छा, बस 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 बस। तो ये एक मंत्र है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस मंत्र में 32 अक्षर हैं और 16 नाम है। इस मंत्र का कोई जाप करता है तो राधा कृष्ण स्थलम लभेत, भगवत प्रेम भगवत ज्ञान और प्राप्त कर सकता है, और सभी दुखों से मुक्ति और वैकुंठ की प्राप्ति। अब मैंने जो प्रमाण दिए और जिस प्रकार से आपको बताया, आपके पास ऐसा कोई प्रमाण है तो बताइए, आज से ये बंद और आपका शुरू कर देंगे, है ना? यदि कोई ऐसा है आपके पास, यदि आपको मतलब 32 अक्षर 16 नाम या कोई प्रमाणित, है ना? कई बार कुछ लोग कहते हैं ना, हमारे गुरुजी ने हमको मंत्र दिया है, तो हम कहते जरा बताइए कौन से। नहीं, दूसरे को बताने के लिए मना किया है, यदि बताएंगे तो पावर कम हो जाएगा, तेरा मंत्र इतना ढीला है, है कि बताने से पावर कम होगा। अरे मंत्र तो वो है पूरे जगत का उद्धार करे, सार्वभौम सबका कल्याण करे, तो जीवन बीत जाएगा भक्तों। यही मंत्र जिसे महामंत्र कहा गया है, महामंत्र, इस मंत्र का जाप करने से जीवन में परिवर्तन हो जाता है। फिर भी मैं कहूं, भगवान के कोई भी नाम लोगे फल देंगे, लेकिन समय का, समय की राह देखनी होगी। तुरंत चाहिए तो इस महामंत्र का जाप कीजिए, शास्त्र में बताया गया है। ये महामंत्र कोई मेरे पिताजी ने बनाया नहीं कि मैं उसका मार्केटिंग करने आया हूँ, या ये आप लोगे तो मेरे उसमें अकाउंट में 2-5 डॉलर आने वाले नहीं हैं। आप सीधी बात है ना, मैं क्यों, मैं मेरा सब कुछ छोड़कर यहाँ क्यों आया हूँ, कुछ तो है। और मैं अपने प्रेमी भाई बंधु आपको ये मैसेज देने आया हूँ कि ये पवित्र मंत्र है। और देखिए, फलेन परितुष्यति, बुद्धिमान व्यक्ति पेड़ के एक फल को चखता है ना, पूरे पेड़ का अंदाजा निकाल देता है। हमारी माताएं बैठी है ना, राइस, राइस भात तो खाते होंगे ना, राइस जब चूल्हे पर रखते हैं फिर वो जो बॉयल होता है तो फिर एक चावल का दाना ऐसे दबा कर देख लेते हैं तो पता चल जाता है कि भाई कैसा है, कि एक एक सारे चेक करते हैं, ऐसा एक चेक किया, दूसरा किया, तीसरा, चौथा, फिर वो खाने जैसा बचेगा। तो फलेन परितुष्यति, फल को देखकर वृक्ष का पता लगाया जा सकता है। इस महामंत्र का प्रभाव आपके अमेरिका में आपके सामने है भक्तों। आज से 50 वर्ष पूर्व भारत से 70 साल के एक बूढ़े संत निकले, जिसके पास न तो कोई धन था न कोई पहचान थी, केवल 40 रुपये लेकर एक कार्गो जहाज में, मालवाहक जहाज में बैठकर भारत से अमेरिका आए। मैं तो अक्सर कहता हूँ 40 रुपये लेकर यहाँ से एयरपोर्ट भी नहीं जा सकता कोई, वो भारत से निकले थे। 70 साल का बूढ़ा, उसको क्या जरूरत थी, ब्रज वृंदावन में थे अपना जीवन बिताते, लेकिन नहीं, जगत के प्रति उनकी करुणा थी कि मुझे जो मिला है। मैं आपको कहूं, आप में से जो डॉक्टर होंगे ना उसको अनुभव होगा, डॉक्टर किसी छोटे बालक को देखता है कि उसको दर्द है,
मैं उसे इंजेक्शन दूंगा ठीक हो जाएगा, और वह बालक इंजेक्शन नहीं लेता है, और वह दुख जिस डॉक्टर के हृदय में होता है कि इलाज जानता हूं और इस इलाज से इसका ये ठीक हो जाएगा, फिर भी ये नहीं ले रहा है, तब डॉक्टर के हृदय में करुणा होती है। ऐसी ही करुणा भारत के इस संत के हृदय में हुई कि मेरे पास उस रोग का इलाज है, मेरे पास वह तत्व है, और इसीलिए भारत से अमेरिका इतनी दुर्गम यात्रा करके आए। आपको पता नहीं, हम तो क्या ना फ्लाइट में 15-20 घंटे बैठकर आते ना, फिर भी 2-3 दिन पड़े रहते हैं, जेट लैग हुआ, थक गए, ये है वो है। वो एक महीने तक उस जहाज में लगातार, जहां समुद्र और पानी के अलावा कुछ नहीं, 70 साल के बूढ़े बैठकर आए, और केवल हृदय में आस थी कि ये धन जो है, ये वास्तविक धन मैं अमेरिका वालों को दूंगा। वे जब ब्रिटिश में गए ना, वहां यूके में, तो लोगों ने पूछा कि आप यहाँ क्यों आए हो, आप बूढ़े हो गए, यहाँ पर क्यों आए? तो उस संत ने इतना ही कहा कि देखो, आपके लोग हमारे भारत को लूट कर गए, हमारे भारत को आपने लूटा, लेकिन जो वास्तविक चीज लूटनी चाहिए वो तो लूटा ही नहीं, जो सच्चा धन था वो तो आपने लूटा नहीं, हमारी संस्कृति, ये वेदों का सार, मैं वेदों का सार देने के लिए आया हूं, हरिनाम देने आया हूं। अमेरिका में बॉस्टन में जब उतरे, पता नहीं था मुझे राइट में जाना है लेफ्ट में जाना है, कोई नहीं, यहां तो हम जब आते हैं तो कितने लोग रिसीव करने आते हैं और क्या क्या होता है, लेकिन वह संत इतना संघर्ष, एक एक बगीचे में जाकर बैठे, कुछ नहीं था उनके पास, एक करताल थी, करताल लेकर इस महामंत्र को गाने लगे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम मैं आपको ये, मैंने आपको प्रमाण दिया, कथा सुनाई, अब मैं आपको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल बता रहा हूं, और कुछ नहीं है, कि अब केवल 50 वर्ष पहले की बात बता रहा हूं, आपके अमेरिका के, अमेरिका में आए उन दिनों, यहां पर आज भी हो ही रहा है, बहुत नशा हो रहा था, शराब का नशा, एलएचडी का नशा, अनेकों प्रकार से लोग, नशीले लोग, हिप्पीज लोग यहाँ पर भटकते थे। प्रभुपाद वहाँ पर, ये संत वहाँ पर जाकर ये महामंत्र गाने लगे, महामंत्र गाने लगे, तो उस समय लोग शराब पीकर, शराब के नशे में झूमते हुए वह हिप्पीज लोग वहाँ आगे पीछे घूम रहे थे, भटक रहे थे। पहले तो वो समझ नहीं पाए कि ये बूढ़ा क्या गा रहा है, ये क्या बोल रहा है, लेकिन वस्तु शक्ति का प्रभाव होता है भक्तों। आग होती है ना, आग में आप जानबूझकर हाथ डालो या अनजाने में हाथ डालो, वो तो जलाएगी ही। आप ऐसा नहीं कह सकते मेरा ध्यान नहीं था, मैंने गलती से हाथ डाला, वो आग का अपना प्रभाव है कि वो जलाएगी, हरि नाम का अपना प्रभाव है। आप जानबूझकर लो, अनजाने में लो, कैसे भी लो, ये अपना प्रभाव कभी नहीं भूलता। वो संत हारे नहीं, वो गाते गए, एक दिन, दो दिन, तीन दिन, और ये लोग नशा करके, शराब के नशे में झूमते हुए आते थे, और ये महामंत्र की ध्वनि उन नशीलों के कान में जाने लगी, और धीरे धीरे उनके हृदय को पवित्र करने लगी। और एक दिन जो अमेरिका के नशीले लोग शराब के नशे में झूम रहे थे, इस संत ने सबको हरि नाम के नशे में झूमा दिया, हरि नाम के नशे में। आप देखिए कि अमेरिका में पैदा हुए अमेरिकी लोग जिस प्रकार से अपने जीवन का आचरण करते हैं, कोई नशीले पदार्थ नहीं, इवन चाय, कॉफी, प्याज, लहसुन भी नहीं, हमारे भारत के ब्राह्मणों को लज्जा आती है, जो मुंह में तंबाकू खाकर भटकते हैं, जो सिगरेट पीते हैं, जो सुबह उठकर चाय पीते हैं, लेकिन अमेरिका के पैदा होने वाले लोग इतने सन्यासी से भी पवित्र बन गए, एक और मात्र एक हरि नाम से। नहीं तो इन लोगों को क्या, वेद क्या है, इन लोगों को क्या था, वेद शास्त्र ये कुछ नहीं था, केवल और केवल हरि नाम को जप कर उनका हृदय शुद्ध हुआ। ये आपके सामने है। तो फलेन परितुष्यति, मैंने वेद का प्रमाण दिया, शास्त्र का दिया, मैंने आपको एक घटना भी बताई, इतनी बड़ी घटना, फिर भी यदि आपके मन में हो कि नहीं नहीं ये तो 2-3 श्लोक, तो और सुनिए, मैं पूरी रात भर बोल सकता हूं। कली संतरण उपनिषद 108 उपनिषद है ना, उनमें से कठ उपनिषद, केन उपनिषद, ईश उपनिषद, एक है कली संतरण उपनिषद।
इस उपनिषद में तो क्लियर लिखा है हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, इति षोडश काम नाम कलि कलमश नाशनम नात परत रोपाय सर्व वेदेषु दृश्यते। सर्व वेदेषु दृश्यते, सारे वेदों को देखने के बाद कलयुग में यदि पवित्र होना है, प्रेमी बनना है, ज्ञानी बनना है, तो एकमात्र उपाय इस महामंत्र का जाप करना चाहिए। तो इस प्रकार महामंत्र, और आपके मन में होगा कि अन्य जितने भी मंत्र हैं वो सारे मंत्र हैं, लेकिन ये महामंत्र है। अंतर क्या है मंत्र में महामंत्र में? मंत्र जो है ना सब जगह नहीं बोला जाता, मंत्र बोलने के लिए योग्य स्थान चाहिए, आसन चाहिए, पात्र चाहिए, समय चाहिए। इसमें थोड़ी भी गलती हो गई तो जैसे आप मेडिसिन लेते हैं और गलत तरीके से ले ली तो रिएक्शन होता है, वैसे मंत्र का भी रिएक्शन होता है। लेकिन महामंत्र ऐसी चीज है, क्योंकि ये मंत्र नहीं है महामंत्र है, इसलिए ये आप कभी भी कहीं भी कैसे भी जाप कर सकते हैं। खाइते सुइते यथा तथा नाम लई देश काल नियम नास्ती सर्व सिद्धि है, आपको ये पूर्ण फल देगा। और प्रमाण रत्नाकर डाकू, आपने पहले दिन सुना कि राम राम बोलने के लिए कहा, वो मरा मरा बोला फिर भी पवित्र हो गया। कैसे भी इस महामंत्र का जाप, बच्चा बड़ा बूढ़ा कोई भी व्यक्ति इस मंत्र का जाप कर सकता है, स्त्रियां किसी भी अवस्था में यह हरि नाम का जाप कर सकती हैं। तो यह हरि नाम भागवत का सार है, गीता का सार है, रामायण और वेदों का सार है। कृष्ण गीता में कहते हैं चार प्रकार के लोग मेरे पास आते हैं, ज्ञानी मुझे बहुत प्रिय है, ज्ञानी का अर्थ है प्रेमी, और प्रेम मिलेगा भगवत नाम से। यदि ईश्वर का प्रेमी बनना है तो भगवान का नाम लेना चाहिए। अब बात आई है, फिर बाद में कुछ लोग पूछेंगे, मैं कह दूं इसमें 108 मोती होते हैं। मैं क्या ना, मुझे ऐसा लगा कि नहीं, आप लोग ध्यान से सुन रहे हैं, समझ रहे हैं और जीवन में उतारने का प्रयास भी कर रहे हैं, इसलिए मुझे पहले ही पता था, इसलिए मैं वृंदावन से स्पेशल माला बनवा कर आपके लिए लेकर आया हूँ एडवांस में, ये पूरा गिफ्ट है। तो फिर से कह दूं, इसका पैसा वैसा नहीं है, मार्केटिंग नहीं हो रहा है, आप चिंता मत करो। कुछ लोग कहेंगे अभी पैसे की बात आएगी, कुछ नहीं, ये केवल मेरी ओर से आपको भेंट है, आपके भाई की ओर से, आपके पुत्र की ओर से, लेकिन एक पवित्र चीज है ये। इसमें 108 मोती है, ये कैसे करना है, एक मोती पर एक मंत्र, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, फिर दूसरे मोती पर। कुछ लोग राजधानी एक्सप्रेस शुरू करते हैं ऐसे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे राम राम, दो तीन मंत्र में तो पूरा कुंडाला। तो ऐसे नहीं, एक मोती पर एक मंत्र, फिर आगे बढ़ना है, फिर एक मोती पर एक मंत्र, फिर आगे बढ़ना है। कुछ लोग कहते हैं ये आपका मंत्र बहुत बड़ा है, राम 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 होता तो कितना ईजी होता, ये हरे कृष्ण, तो मैं तो इतना ही कहता हूँ, मंत्र जितना बड़ा है इसका फल भी उतना ही बड़ा है। नो पेन नो गेन, मेहनत किए बिना कुछ नहीं मिलता, मंत्र बड़ा है लेकिन बड़ा आनंद है इसमें। और फिर ऐसे घूम कर यहाँ आ जाएंगे, यहाँ पहुँच जाएंगे तो एक माला समाप्त हो जाएगी, फिर यहाँ से आप वापस घूम जाएंगे फिर एक माला समाप्त होगी। कुछ लोग कहते हैं 108 मोती ही क्यों, पूछने वाले तो बहुत होते हैं, 108 ही क्यों, अब 8 है तो क्या प्रॉब्लम है, लेकिन नहीं, आंसर चाहिए। 108 इसलिए क्योंकि भगवान को 108 बड़ी प्रिय है, और कृष्ण की गोपी 108, कृष्ण की पत्नियां 16,108, तो 16,000 ये 108 जो है ना ये गोपी हैं और बीच में कृष्ण खड़े हैं, और जब माला होते हैं तो रासलीला चल रही है, ये रासलीला होती है कलयुग की रासलीला है ना। तो इस प्रकार से ये, और एक ध्यान रखना चाहिए कि ये निर्देशिका उंगली जो है ना ये माला को स्पर्श ना करे, क्योंकि इस वेद के अनुसार इस उंगली को गलत माना जाता है, ये निर्देशिका, इसे हम बहुत पाप भी करते हैं, ये ऐसा है वैसा है। खैर, तो हमने ये बैग ऐसी बनाई है हमारे आचार्य जी ने, इसको ऐसे डालेंगे तो ये बाहर निकल जाएगा, तो क्या ये ऐसे भी बाहर निकल जाएगी तो माला भी टिक जाएगी और ये बाहर भी रह जाएगी, है ना। तो ऐसे माला करते करते फिर ऐसे किसी को ऐसे करना नहीं है कि तू ऐसा है ऐसा है, ये केवल ऐसे ही रखना है।
कुछ लोग कहते हैं जो भी है लेकिन ये हाथ में लेकर हमको लज्जा आएगी. आपको शराब की बोतल हाथ में रखने से लज्जा नहीं आती है, सिगरेट हाथ में रखने में लज्जा नहीं आती है, माला रखने में लज्जा आती है. एक बार मैं ऐसे माला ऐसे करके जा रहा था तो एक आदमी मुझे पूछा फ्रैक्चर हुआ है आपको? कितने महीने का फ्रैक्चर है? उसकी तो लाइन ही नहीं है ना, ये क्या है? तो ऐसे लोग बहुत मिलेंगे, बहुत कुछ होगा, लेकिन इसे भगवान की एक लीला ही समझ लीजिए. लेकिन उद्धार तो केवल इसी से होगा. तो ये माला है, देखो क्या क्या है इसमें. एक तो ये बहुत सुंदर माला है, फिर इसमें मैनुअल है. ये जितनी कथा हुई ना अभी आपने जो कथा सुनी ना, इसमें जो मूल मूल बातें जो हमारी हुई, जो आप नोट करने लायक थी, वो सारी बातें इस किताब में है, हिंदी में और इंग्लिश दोनों में है. और फिर ये एक मंदिर है. फिर से कहूँ इसका कोई पैसा नहीं है, केवल गिफ्ट भेंट है. ये मंदिर है, इसमें गिरिराज जी हैं. गोवर्धन नाम सुना है? तो गिरिराज गोवर्धन है, कृष्ण है गौ माता के साथ. इसमें गुरु शिष्य परंपरा फोटो के साथ, ये हमारे इस्कॉन के लिए भी बड़ी दुर्लभ पिक्चर है. और फिर अंदर तो जादू है, आप ये खोलोगे तो इसमें सारे भगवान हैं 3D. ये लाइव वाले भी देख लीजिए. ये लाइव में से मुझे मैसेज आते हैं कि जरा हमें भी भेज दीजिए, ऑस्ट्रेलिया में, कनाडा में भेज दीजिए, कथा में आना पड़ेगा. ऐसे थोड़ी. तो ये ठाकुर जी के बहुत सुंदर हैं. आप कहीं फ्लाइट से जा रहे हैं, कहीं होटल में जा रहे हैं, अपवित्र वातावरण होता है, आप ये वहाँ पर रख दीजिए. ये ट्रैवल टेम्पल इसका नाम है. तो इसमें राधा कृष्ण अष्ट सखी हैं, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा जी हैं, राम लक्ष्मण जानकी जी हैं, और गौरनिताएँ हैं, और गुरु परंपरा नरसिंह भगवान, तुलसी महारानी. और ये जो मंत्र है ना, ये मंत्र भी यहाँ पर इंग्लिश हिंदी में लिखा है, आप इसमें देख कर जाप कॉन्सेंट्रेट कर सकते हो. तो ये तीन चीज़ है. आपको यहाँ से यदि इंडिया जाना है तो आपको तीन चीज़ लगती है, राइट? आपको क्या क्या लगता है? एक तो पासपोर्ट लगेगा, ठीक है, फिर टिकट लगेगी, और वीज़ा लगेगा, ठीक है ना. कुछ लोग पूछते हैं कि फिर भी इसका दाम बताइए कितना होगा, हम तो ऐसे नहीं मांगते नहीं लेते. इसका दाम मैं क्या बताऊं? ये अमूल्य चीज़ है, इसकी कोई कीमत ही नहीं है. इंडिया जब जाते हैं तो टिकट कितने की लेते हैं आप? 1000-1500 की तो होती होगी, ओके. इंडिया से आगे आपको मंगल ग्रह में जाना है तो कितनी टिकट है? कुछ ज्यादा ही. मंगल से आपको स्वर्ग लोक में जाना है तो कितनी टिकट है? फिर जन लोक, फिर ऊपर महर लोक, फिर तप लोक, फिर सिद्ध लोक, फिर ब्रह्म लोक, और फिर उसे भौतिक ब्रह्मांड को भेद कर वैकुंठ में जाना है, कितनी महंगी टिकट होगी? तो देखो, टिकट है, पासपोर्ट है, और वीजा है. तीनों इस बैग में है, तीनों इस बैग में है ना. तो ये आपके लिए, अभी कथा बाकी है, जस्ट मैंने बता दिया आपके लिए है. लेकिन एक संकल्प करना होगा, एटलीस्ट आप 2 माला, 4 माला, 10 मिनट, 15 मिनट अपने घर पर इसका जाप कीजिए.